हैप्पी बर्थडे अनुष्का। अरे आज तो हमारा बर्थडे है, सेम टू यू। यस यार, अजीब बात है, लोग त्योहार के दिन एक दूसरे को सेम टू यू कहते हैं और बर्थडे के दिन थैंक यू, लेकिन हम तो एक दूसरे को सेम टू यू बोलते हैं। वो क्या है ना, भगवान हमें डबल सीट भेजा था मम्मा पापा के पास। अभी देखना, इनने इसलिए हमें डबल सीट भेजा क्योंकि जिससे मम्मा पापा हमें एक केक में निपटा दे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, अगर हम 5 किलो का केक मंगाएंगे, वो भी 3-3 लेयर का। सबसे बड़ा वाला लेयर मेरा, मैं बड़ी बहन हूँ 5 मिनट पहले, और दूसरा लेयर तेरा क्योंकि दूसरी बहन है, और तीसरा भाई मानो का, उनको तो कुछ भूखे नहीं रह सकते ना। और गिफ्ट का क्या? गिफ्ट वो तो मेहमान डिसाइड करेंगे, उसमें हमारा क्या। इडियट, मैं रिटर्न गिफ्ट की बात करी थी। अब के जमाने में कौन गिफ्ट देखता है, सब रिटर्न गिफ्ट देखते हैं पार्टी में। हाँ, याद है रिया के बर्थडे में हमें क्या मिला था, वो भी 2-2 वीडियो गेम कैसेट्स। और मीरा की पार्टी में हमें मिला था क्रॉप टी शर्ट, वो भी ब्रांडेड वाला। हम 22 पार्टी में गए थे, बट देखो बस रिया और मीरा का बर्थडे याद है। क्योंकि उनके पास एकदम स्पेशल गिफ्ट था, रिटर्न गिफ्ट। तब तो हमें भी एकदम धमाकेदार बर्थडे करना होगा, एकदम धमाकेदार बर्थडे पार्टी, एकदम धमाकेदार और महंगा रिटर्न गिफ्ट। तभी तो लोगों को याद रहे कि आयु अनु की पार्टी कितनी अच्छी थी। हाँ, तो 5 किलो का केक कैंसिल, अब 7 किलो का केक। अगर मेहमान ज्यादा खा जाएंगे तो हम भूखे थोड़ी रह सकते हैं। मुझे केक चाहिए 13 की, पता है, इसलिए हमें 7 किलो का केक मंगाना चाहिए। करेक्ट। और पार्टी में 22 लोग को बुलाएंगे तो सबको 1-1 हजार का रिटर्न गिफ्ट, तो 22 हजार का टोटल रिटर्न गिफ्ट। परफेक्ट। और हाँ, 7 किलो का केक का पैसा अलग से। गाइस, तो आपने हमारा टाइटल, थंबनेल और हमारे आउटफिट से तो देख ही लिया होगा, अभी हमारा बर्थडे भी चल रहा है। जानते ही हो। तो गाइस, अब कमिंग टू द मेन पॉइंट, जिस चीज का मुझे और आपको सभी को इंतजार है। क्या? ओ हाँ, सॉरी, हम लोग करने वाले हैं गिव अवे। यस, फाइनली हमें एक बहुत रिक्वेस्ट आती है कि गिव अवे करो, तो हमने सोचा गिव अवे करेंगे तो एकदम स्पेशल ओकेजन पे, तो वो है हमारा बर्थडे। 10 विनर्स को हम गिव अवे करेंगे, 10 लकी विनर्स। अब आपको उन 10 लकी विनर्स को बनने के लिए आपको क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है। एंड अगर आपको हमें गिफ्ट देना है तो हमारे सबसे बड़ा गिफ्ट होगा 1 मिलियन की फैमिली हो जाना, तो प्लीज जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो अभी आपको पता है हमारे कमेंट्स टर्न्ड ऑफ है, तो आप पूछ रहे हो कि तो हम लोग कमेंट्स कैसे करेंगे। हम लोग कम्युनिटी में एक पोस्ट डालेंगे गिवअवे के बारे में, तो उसी में आपको कुछ भी कमेंट, अपनी क्रिएटिविटी, कुछ भी कमेंट करो, अपना प्यार बरसाओ, कमेंट करो अपने दिल से, जो कहना है हमें कमेंट करके बता दो, और फिर हम लोग उनमें से 10 कमेंट्स चूज करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करेंगे और कम्युनिटी पोस्ट में भी अनाउंस करेंगे। तो गाइस, आपको रूल्स एंड सब पता चल गया है, अब आगे का की लीनो कैसे आपको रिटर्न गिफ्ट पहुंचेगा ना, वो तो आपको अगले वीडियो में पता चलेगा। तब तक अपने भर भर के कमेंट्स करते रहो, एकदम इंटरेस्टिंग, लवेबल, सब कमेंट्स करते जाओ। और हमारी आयु अनु प्रिंसेसर की टीम, हम दोनों, हम सभी बहुत ही ज्यादा एक्साइटनेस गिव अवे के लिए, मैं होप करती हूं कि आप लोग भी होंगे। तो अब विदाउट एनी फर्दर डूज, लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। क्या 22,000 और 7 किलो का केक? हाँ पापा, अब आप ही बोलो, अगर मेहमान सारे केक खा जाएंगे तो बर्थडे को इसके लिए कुछ बचना तो चाहिए ना। वो तो ठीक है, बट 22,000 का रिटर्न गिफ्ट कौन देता है? अरे मम्मा, अभी आपका जमाना नहीं रहा। अब मम्मा, आपका जमाना क्या, पहले आपके में सिर्फ एक ही गिफ्ट मिलता था, हार्डली, वो भी बेबी बॉय बेबी गर्ल को। अरे मम्मी, अभी ये हमारा मॉडर्न जमाना है, अभी बर्थडे गर्ल को गिफ्ट मिले या ना मिले, आने वाले को रिटर्न गिफ्ट तो मिलना ही चाहिए। अरे रिटर्न गिफ्ट ना हुआ कि रिटर्न टिकट हो गया, जिसके बगैर मेहमान जा नहीं पाएंगे। ओफ मम्मा, आप नहीं समझोगे, हम आपको क्यों समझा रहे हैं। पापा आप तो समझ रहे हो ना, अब आप ही बताओ, आजकल के जमाने में लोग बर्थडे पार्टी में रिटर्न गिफ्ट को ज्यादा देखते हैं। मैं तो नहीं देखता। अरे देखो पापा, अब जो बिल्ली है दूध पीती है, आप बंद करके दूध पीती है, अब थोड़ी ऐसे कि कोई देख ही नहीं रहा उसे, सब देख रहे हैं ना। तो अब लाओ 22,000 तो देना है, प्लस 7 किलो का केक 2,000, तो प्लस 2,000 हो जाएगा 24,000। चौबीस हजार
हाँ मम्मा, ऐसे आप फादर्स डे 24,000 की 24 लाख मांग रहे हैं। हाँ 22,000 रुपीज है पापा, आप देखो 22,000 रुपीज है, उसमें से मतलब 22 पीपल आएंगे तो 2,000 नहीं 1,000 पर हेड, कैलकुलेशन डन। अरे पर हेड बोल के पापा का हेडेक मत बढ़ाओ। अरे इसमें क्या हेडेक, हाँ 2,000 के 6 नोट ही तो देने हैं। 12,000 ही तो हो गए। अरे पापा 12,000 मेरे भी तो हैं, हम लोग ट्विंस हैं तो आधा पैसा उसका आधा पैसा मेरा। पूरा पर खाली कर दी, मैं इसी बाद में बांट लेंगे। थैंक यू मम्मी पापा। आप भी ना। अरे आजकल के बच्चे ना, इनको कौन समझाए। इस बार की तो पार्टी में मजा ही आ जाएगा आयु, और रिटर्न गिफ्ट का भी। हाँ जल्दी से आ जाओ दीदी। हाँ मैं तो तैयार हो भी गई। देख मैं खाने पीने का और केक का इंतजाम करती हूँ, और तू रिटर्न गिफ्ट का इंतजाम कर। ठीक है तो एक काम करते हैं, तू केक और नाश्ते का पैसा ले जा, मैं रिटर्न गिफ्ट का पैसा ले जाती हूँ। हाँ सही कहा, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सीधा एक से दो निशाने लग जाएंगे। चल लेट्स गो। चल ये आपने अच्छा नहीं किया। क्या हुआ भाई? अरे भला कोई 22,000 का रिटर्न गिफ्ट दोस्तों में बांटता है क्या? अब क्या करें, ना देते तो बच्चे नाराज हो जाते, अब आज भी तो बच्चों का मूड तो खराब नहीं कर सकते ना। किंतु 22,000 का रिटर्न गिफ्ट भी बांट के क्या फायदा? अरे भाई कौन समझाए बच्चों को, अब माँ बाप ही समझाते हैं ना बच्चों को, माँ की तो सुनते नहीं, और आप हो कि उनको कड़क होके डांटते नहीं हो कभी। अरे मूड मत खराब करो भाई यार, दो घंटी बज गई, बच्चे आए जाओ बुलाओ, बर्थडे सेलिब्रेट करो, छोड़ो ये सब। ठीक है मम्मा, आप अंदर आओ फिर मैं आपको सब बता दूंगी। अरे क्या हुआ अनु, कुछ तो बोलेगी। अरे मम्मा वो क्या है ना, मैं और आयु ने सोचा कि आयु केक लेगी और मैं ले लूंगी वो रिटर्न गिफ्ट्स। रिटर्न गिफ्ट कहाँ है रिटर्न गिफ्ट, तू तो खाली हाथ आई है। ओह नो। अरे मम्मा वो मैंने जो पैसे थे ना। क्या हुआ पैसों का, सुनते हो जी, ये देखो इसने पैसे नहीं लेके आए। क्या हुआ पैसों का, ये गई थी रिटर्न गिफ्ट लेने, खाली हाथ आई है। कहीं गिर गए तो फिर कहाँ गए? अरे मैंने दे दिए। अरे बर्थडे से पहले रिटर्न गिफ्ट दे दिए। वो क्या है ना, जब मैं जा रही थी मुझे एक बच्चा मिला। अंकल अंकल वो 4 लाइन वाली बुक दे दो ना। क्या कर रहे, बचस भी लाया है? 50 रुपए तो नहीं, मेरा सिर्फ 20 रुपए ही है। अरे 20 में थोड़ी आ पाएगा। अंकल प्लीज दे दो ना। अरे नहीं चल जा, 20 में नहीं। अरे प्लीज अंकल दे दो ना। अरे नहीं जा, आज तो दिमाग खराब करते, दूसरा कस्टमर का नहीं जा। अरे अंकल पढ़ना मत आइए, प्लीज दे दो। अरे बोला नहीं जा। उधर जा रहा हूँ लेकिन खाली हाथ, कहाँ है तुम्हारा 7 किलो का केक? मम्मी वो क्या हुआ, दुकान पे केक नहीं था? नहीं केक तो बहुत सारे थे लेके। लेकिन क्या हो रहा, पैसे कम पड़ गए, मुझे फोन करती मैं पैसे ला के दे देता था। पैसे तो थे लेकिन लगता है तुमने कुछ और शॉपिंग कर ली। देखा मैंने कहा था ना, इसको फालतू का पैसे देके बिगाड़ रहे हो, कुछ और शॉपिंग कर ली।
अरे तुम कहाँ है इतना नाराज हो जाती हो बेटा, तेरा शॉपिंग बैग कहाँ है, कुछ ली क्या? नहीं मम्मी पापा, जब मैं केक लेने जाई थी तो मुझे एक छोटी बच्ची मिली। अरे तुम रो क्यों रही हो? मैंने वो दुकानदार अंदर से कुछ खाने को मांगा था तो, पर उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया, कहा कि 10 रुपए में कुछ खाने की चीज आती है क्या। फिर मेरे बार बार रोने पर उन्होंने मुझे एक बासी केक पकड़ा दिया। बासी? हाँ, और वो भी एक ही। तो एक से तुम्हारा नाश्ता नहीं होगा? एक से मेरा तो हो जाएगा, पर मेरे घर में मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरे छोटे भाई का नहीं होगा ना। मेरे पापा की नौकरी भी चली गई, वो बहुत बीमार है ना, और मेरी मम्मी की नौकरी अभी अभी लगी है और उनकी पगार अगले महीने मिलेगी, और मेरा छोटा भाई भी है इसलिए। तुम रो मत, मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए खाना लेके आती हूँ, तुम उधर ही बैठे रहना। ये 4-5 दिन का खाना है तुम्हारे लिए, तुम, तुम्हारा भाई, मम्मी पापा सब खाते हैं ऐसे। और ये जो कुछ पैसे, जब तक तुम्हारी मम्मी की पगार नहीं आती तब तक तुम इसी से राशन ले लेना। पर आप भी तो छोटे हो ना, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? नहीं, वो आज मेरा बर्थडे है। अरे आपका आज बर्थडे है? हैप्पी बर्थडे। मैं तो आपको कोई गिफ्ट भी नहीं दे पाई। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं तो पैसे एक्चुअली वेस्ट करने वाली थी, तुम्हारे वजह से मैंने वो पैसे वेस्ट नहीं किए, तुमने मुझे वो पैसे वेस्ट करने से बचा लिए। ये मेरा बर्थडे का गिफ्ट है, थैंक यू, बाय। देखा सर, तुम बोल रहे थे मेरे बच्चे पैसे वेस्ट करते हैं, इन्होंने तो पैसे का कितना अच्छा इस्तेमाल किया है। सही कह रहे हो, इन्होंने तो अपने बर्थडे केक की भी परवाह नहीं की। अरे बेटा, पर 7 किलो केक नहीं लाए, 700 ग्राम का तो केक ला सकते थे ना। नहीं पापा, मन नहीं किया, इतना नेक काम करने के बाद खुद पे खर्च करने के लिए मन नहीं किया। तो क्या बेटा, इस बार तुम्हारा बर्थडे बिना केक के ही मनाएंगे क्या? अरे बिना केक का क्यों मनाएंगे? हमने अपने बच्चों के लिए अपने हाथों से केक बनाया हुआ है। अच्छा, कुक विद मम्मा? नहीं, कुक विद आशा। रिटर्न गिफ्ट का क्या? पापा, अगर हम हमारे दोस्तों को रिटर्न गिफ्ट देते तो उनकी विश तो बस आज ही खत्म हो जाती। जब हमने उन्हें वो रिटर्न गिफ्ट दिया और उनके बदले में उन्हें हमें जो ब्लेसिंग्स और विशेस दी वो हमारे साथ बरसों तक रहेगी। हाँ, उनकी खुशी तो बहुत ज्यादा अच्छी लगी हमें देख के। तो चलिए हम सब मिलके केक काटते हैं। ये!